क्योंकि मैं स्मार्ट वैल्यू करता ही था इसलिए, क्योंकि मैंने देखा मेरा मेरा पिताजी को मैंने देखा, जब वो रिक्शा चलाते थे ना, जब मैं रास्ते से जाता था वो रिक्शा चलाते थे, जब देखता था मैं धूप में बरसात में पैसेंजर को कैसे मेहनत करके, तब मेरा रोना आता था सर। मुझे लगता था कब मैं कुछ कर, मेरे पास समुंदर है, स्मार्ट वैल्यू का समुंदर है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास, मेरा दिल में जला है, मेरे दिल में जलन है, मुझे मुझे भगवान ने दिया है स्मार्ट वैल्यू, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जब मैं अपने माँ को देखता था, कभी कहीं पे घूमने नहीं जाता है, कोई अगर कुछ गहना खरीदता है आस पड़ोस में, कोई गहना खरीदता है मेरा माँ को आके दिखाता है, मेरा माँ का जो मुंह में, मेरा माँ का जो मायूस चेहरा मैं देख पाता था, ठीक है। और मुझे लगता था मेरे अंदर इतना ड्रीम है, मेरा पूरा नहीं हो रहा है ड्रीम। अगर मुझे दर्द होता है, इन लोगों का तो जिंदगी में कोई ड्रीम देखने का मौका ही नहीं मिला, इन लोगों का भी तो थोड़ा सपना होगा, कौन पूरा करेगा, मैं पूरा पकड़ूंगा। हाँ, एक जलन होता था सर, उस जलन से मैंने स्मार्ट वैल्यू किया। लेकिन जब ये लोग ही नहीं समझते है ना कि इसका बेटा क्यों स्मार्ट वैल्यू करता है, इसका बेटा इसलिए नहीं स्मार्ट वैल्यू करता है, इसको बहुत पैसा कमाना है, इसका बेटा इसलिए स्मार्ट वैल्यू करता है क्योंकि पैसा कमा के उस मम्मी को, उस पिताजी को कुछ देना है, दिखाना है मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग समझते नहीं है सर। जब गाली देता है ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन कभी भी मैंने स्मार्ट वैल्यू फिर भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अगर मेरा मम्मी एक टाइम पे एक किताब खरीदने के लिए लोगों के पास अपमान हो सकता है, तो मैं अपने मम्मी के लिए कुछ देने के लिए मैं भी अपने मम्मी के पास अपमान हो सकता हूँ। इसको दिल में नहीं लगाने का, इसको ज्वाला बनाने का और स्मार्ट वैल्यू करने का।